विज्ञापन लेखन आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन का मतलब है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना, सूचना देना। इसका दूसरा नाम इश्तिहार भी है। इसे अंग्रेजी में एडवर्टाइज करते हैं कहते हैं, अर्थात प्रचार तथा बिक्री के उद्देश्य से पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली सूचना जो होती है उसे विज्ञापन कहते हैं। तो विज्ञापन लेखन करते समय इन मुद्दों की ओर आपको ध्यान देना है। विज्ञापन लेखन करते समय आपको क्या क्या करना चाहिए, देखिए। कम से कम शब्दों में अधिक अधिक आशय व्यक्त करना चाहिए। तो देखिए, कम से कम शब्द आपको वहाँ पर चौकोर बनाना होता है, आयत बनाना होता है, और उसी में आपको यह विज्ञापन तैयार करना होता है। तो कम से कम शब्द वहाँ पर आपको इस्तेमाल करने हैं, और आपको आपकी अपेक्षा क्या है यानी विज्ञापन में, तो उस अनुसार उसका आशय भी आपको वहाँ पर व्यक्त करना होता है। शब्द रचना, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। तो भाषा शब्द रचना भी गलत नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। जिसका विज्ञापन करना है उसे बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। तो देखिए, जिस विषय पर आपको विज्ञापन लिखने के लिए दिया गया है, तो उस विषय को आपको, जैसे कि ड्राइवर चाहिए, तो ड्राइवर यह जो शब्द है आपको बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। या तो किसी पुस्तक की ऐड है तो उसे आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। तेल की है तो उस तेल के नाम को आपको बड़े अक्षरों में वहाँ उस विज्ञापन में लिखना होता है, क्योंकि फोकस जो है तो आपका उस चीज़ पर होना चाहिए जिसका आप विज्ञापन कर रहे हो। देखिए, विज्ञापन विषय के अनुरूप रोचक शैली आवश्यक होनी चाहिए। तो विषय के अनुरूप ही आपको यह विज्ञापन में बातें जो होती है वह लिखनी होती है। ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए आपको प्रेरित करना है, और इसलिए भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए कि उन्हें आपकी ओर आकर्षित जो करना है। प्रभावशाली शीर्षक भी उस विज्ञापन में आपको देना है, ताकि लोग जो है उसे देखकर ही उस चीज़ को खरीदने के लिए ललचाए या आकर्षित हो जाए। विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोर या आयत बनाना चाहिए। तो देखिए, पहले चौकोर या आयत बनाना है, और उसी में आपको बहुत ही सुंदरता से यह आपको लिखना है। न कि कुछ बातें जो है वह सेंटर में लेनी है, कुछ बातें साइड में लेनी है। तो किस प्रकार से एक खाली पूरी एक के बाद एक पंक्ति लिखते नहीं जाना है। तो कभी कभी बीच बीच में आपको पंक्तियाँ भी छोड़नी है, तो किस प्रकार से छोड़ना है थोड़ा सोच समझ कर, आपने विज्ञापन देखे हैं कि किस प्रकार से आकर्षक होते हैं, तो उसी प्रकार से आपको यह विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए। तो जिस चीज़ को आप बेचना चाहते हैं या जिस चीज़ के बारे में आप विज्ञापन एडवर्टाइज करना चाहते हैं, इश्तहार देना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसके बारे में कुछ लिख पाओगे। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका पठन जो है, वाचन जो है वह होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और देखिए, विज्ञापन लेखन जो है वह आपको पेन से ही करना है, इस बात को ध्यान रखना है, न कि पेंसिल से करना है। खाली आपके पेन से ही उसे लिखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो विज्ञापन में संपर्क स्थल, फोन नंबर, ईमेल आईडी सभी होने चाहिए। इन सभी का उल्लेख वहाँ पर होना चाहिए, तभी वह विज्ञापन पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, विज्ञापन लेखन करते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो विज्ञापन लेखन करते समय पेंसिल स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है। चित्र डिज़ाइन बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह आपके पाठ्य पुस्तक में ही पेज नंबर यानी पृष्ठ क्रमांक 102 पे यह दिया गया है।
तो वहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ हिदायतें आपको दी हैं, सूचनाएं आपको दी हैं कि विज्ञापन लेखन करते समय पेंसिल स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है और चित्र डिज़ाइन बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, विज्ञापन के तीन प्रकार होते हैं, वस्तु संबंधी, व्यक्ति संबंधी और स्थान संबंधी। तो वस्तु संबंधी में देखिए किन बातों के बारे में जानकारी देनी होती है, तो इस विज्ञापन में जो वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को उस वह वस्तु लेने के लिए ललचाया जाता है, यानी एक प्रकार का मोह, लालच, आकर्षण उनके मन में उत्पन्न किया जाता है। तो उस प्रकार से आपका लेखन वहाँ पर होना चाहिए कि उसे उस विज्ञापन को देखते ही, पढ़ते ही वह व्यक्ति जो है उस चीज़ को लेने के लिए ललचाए या वह मोह उसके मन में उत्पन्न हो जाए। अखबार में, रेडियो पर, टेलीविज़न पर में पर ये विज्ञापन होते हैं। आप देखते होंगे कि किस प्रकार से अखबार में, रेडियो पर, टेलीविज़न पर या तो कभी-कभी किसी बस पर या हम जहाँ भी कभी जाते हैं तो वहाँ हम एक प्रकार का बोर्ड लिखा हुआ देखते हैं, तो वहाँ पर भी विज्ञापन होते हैं। ज़्यादातर के शैम्पू, साबुन, पाउडर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, ज्वेलरी, खाद्य पदार्थ के विज्ञापन होते हैं। व्यक्ति संबंधी, वस्तु संबंधी हमने देखे, तो व्यक्ति संबंधी किस किस विषय पर होते हैं देखेंगे। इस विज्ञापन में किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है। तो देखिए, किसी कार्य को करने के लिए उस या किसी पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए उस व्यक्ति की तलाश होती है और तब इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं। जैसे चौकीदार, आया सेल्समैन, रसोईया, मैकेनिक, शिक्षक, ड्राइवर आदि के बारे में अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं। अब हमने देखा वस्तु संबंधी, व्यक्ति संबंधी, अब स्थान संबंधी भी विज्ञापन होते हैं। तो इस विज्ञापन में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को किराए पर देने या बेचने, खरीदने के संबंध में ये विज्ञापन शामिल होते हैं। तो किस प्रकार से कुछ जो मकान, फ्लैट, दुकान आदि को किराए पर देना है, बेचना है, खरीदना है, तो हमें किस प्रकार से विज्ञापन लिखना चाहिए ये भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु संबंधी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपको विषय दिया गया है, एक दंत मंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए। अब यहाँ पर ज़्यादा मुद्दे नहीं दिए गए हैं, परीक्षा में आपको कुछ मुद्दे दे भी सकते हैं, नहीं भी दिए, खाली विषय भी दिया तो भी आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो किस प्रकार से यह विज्ञापन, वस्तु संबंधी विज्ञापन किस प्रकार से तैयार करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको उसका नमूना दिया गया है। क्या आपके दांत पीले हैं? क्या आपके दांत हिलते हैं? क्या आप अपने दांतों को चमकाना चाहते हैं? देखिए किस प्रकार से ये यहाँ पर लिखा भी किस प्रकार से गया है। देखिए ये इस क्रम से, सीधे पंक्ति में नहीं लिखा गया है, बल्कि इस प्रकार से और इनके आगे पहले फिर इस प्रकार से स्टार किया गया है और प्रश्न चिन्ह भी आखिरी में लगाया गया है। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए, ये हो जाने के बाद यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से, तो आजमा कर देखिए, यहाँ भी किस प्रकार से लिखा है देखिए, तो आजमा कर देखिए, यानी पंक्तियाँ देखिए किस प्रकार से, यहाँ बीच में पंक्ति छोड़ी गई, यहाँ भी छोड़ी गई, तो आपको इस प्रकार से ही लिखना है, तो वह दिखने में अच्छा दिखता है, आकर्षक दिखता है और परीक्षक जो है आपको अच्छे अंक भी वहाँ पर दे सकते हैं। तो आजमा कर देखिए, हमारा बेजोड़ दंत मंजन बच्चे बूढ़े सभी के लिए। और फिर ये दंत मंजन, ये जो नाम है, जो हमारा फोकस है, यानी जो विषय है हमारा मेन, तो उसे भी बड़े अक्षरों में
लिखा गया है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नीचे देखिए क्या विशेषता बताई है, किफ़ायती कीमत यानी सस्ते में है सभी मेडिकल स्टोरों, यहाँ पर देखिए स्टोरो हो गया, यहाँ पर स्टोरो होना चाहिए था, अ बीच में होना चाहिए था, अ लिखा नहीं गया है, स्टोरों में उपलब्ध। और फिर बाद में और एक विशेषता यहाँ पर बताई गई है, अब 50 ग्राम में भी उपलब्ध। और उसको देखिए किस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से ये स्टार बनाते हुए यानी ये कंस बनाते हुए उसे यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आखिरी में देखिए ईमेल, ये dantmitra@gmail.com, इस प्रकार से यह ईमेल भी यहाँ पर तैयार किया गया है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह विज्ञापन इसी प्रकार से आकर्षक सुटसुटी अच्छे हस्ताक्षरों में कहाँ भी एक प्रकार से फिर से लिखना फिर काट देना इस प्रकार से न लिखते हुए पहले ही सोच समझ कर फिर आपको ये इस प्रकार से लिखना है। आगे देखेंगे हम व्यक्ति संबंधी, तो निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पर देखिए विषय है एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है और इसके लिए मुद्दे दिए गए हैं शैक्षिक योग्यता यानी उसकी क्या योग्यता है, उसके बाद आयु सीमा, उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कालावधि यानी एटीएम में वहाँ उसे कितने समय यह ड्यूटी करनी है, फिर संपर्क इसके लिए वह किससे करे। तो इन बातों के मुद्दों के आधार पर आपको यह विज्ञापन व्यक्ति संबंधी विज्ञापन तैयार करना है। उसका नमूना भी आगे दिया गया है। देखिए यहाँ पर आवश्यकता है अब एटीएम के लिए किस प्रकार से उसे इस प्रकार से चौकोर बनाते हुए लिखा गया है। और देखिए ये जो है पन्ने पर ये पहले ही आपको इस प्रकार से चौकोन या आयत बनाना है और उसके बाद फिर यह लिखना है। यहाँ पर देखिए फिर चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ, अब सुरक्षा रक्षक है तो वह हट्टा कट्टा तो होना चाहिए, तो ये बातें जो है वह बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रकार के मुद्दे आप वहाँ पर लिखते हैं तो तभी समझ में आता है कि आपको विषय जो है उसके बारे में जानकारी है या आपने सोच समझ कर यह विज्ञापन तैयार किया है। फिर यहाँ देखिए सुरक्षा रक्षक, अब उसे भी बड़े अक्षरों में लिखा गया है, आपको भी उसे ये ध्यान में रखना है जो भी विषय है उसको आपको बड़े अक्षरों में लिखना है ताकि उस पर फोकस हो सके। फिर आयु जो है 25 से 30 वर्ष के बीच, शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर संपर्क किससे करना है तो उसका मोबाइल नंबर आगे दिया गया है कि इससे संपर्क किया जाए, आपका मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर आप ऐसा कोई मोबाइल नंबर दे दीजिए जो किसी का नहीं हो सकता है। और फिर यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर उन्होंने ये एक मुद्दा जो है वह लिखा नहीं है कि कार्य जो उसकी ड्यूटी जो है वह कालावधि कितने से कितने समय तक उसे यह ड्यूटी करनी है, तो वो एक मुद्दा यहाँ पर रह गया है, उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है। यानी जैसे कि सवेरे शाम में या रात में भी ड्यूटी करनी है तो किस प्रकार से, या दिन भर करनी है तो कहाँ कब से कब तक, तो ये यहाँ पर लिखना ज़रूरी था। तो समय वहाँ पर लिखना था समय, फिर बाद में उस समय को सवेरे 9 से रात के 10 बजे 11 बजे जो भी हैं तो उसके अनुसार वहाँ पर लिखना था। यहाँ पर ईमेल लिखना भी ज़रूरी है, ईमेल देखिए यहाँ पर लिखा गया है ईमेल atm@gmail.com। तो इस प्रकार से आपको यह विज्ञापन तैयार करना है व्यक्ति संबंधी। अब हम देखेंगे
यहाँ देखिए, ये जो विज्ञापन है, आकर्षक तो तैयार किया, बहुत अच्छे से लिखा है, रंग बिरंगे स्केच पेन का इस्तेमाल भी किया गया है, लेकिन इतना होते हुए भी उसे गलत बताया गया। क्यों बताया गया? तो यह यहाँ पर उसने स्केच पेन का इस्तेमाल किया है, और इसीलिए आकर्षक विज्ञापन तैयार करने के बाद भी वह गलत है, क्योंकि स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, खाली पेन का ही इस्तेमाल करना है। तो ये जो है, ये बराबर है जो केवल पेन से लिखा गया है। अब यहाँ देखिए, और एक विज्ञापन दिखाया गया है जो पेंसिल से लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, ये पेंसिल से लिखा गया है, तो पेंसिल से लिखा भी नहीं चलता है। तो ना स्केच पेन से लिखना है, ना पेंसिल से लिखना है, केवल पेन से लिखना है। अब व्यक्ति संबंधी और जो है हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, सभी विषय दिया गया है आपको, ड्राइवर चाहिए, और फिर बाद में अनुभव उसका क्या है, फिर स्थानीय निवासी को प्राथमिकता, यानी जो जिस एरिया के व्यक्ति को वह ड्राइवर चाहिए, तो उस एरिया के व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क पता क्या है, और फिर आकाश शिंदे, इन्होंने यह जो है विज्ञापन दिया है, उनसे संपर्क करना है। तो देखेंगे हम यह किस प्रकार से लिखा गया है। सभी नागरिकों को खुशखबर, आवश्यक है ड्राइवर। फिर यहाँ पर भी देखिए, ड्राइवर जो है वह बड़े अक्षरों में लिखा गया है। तो जो भी विषय आपको दिया जाता है, उस पर आपको फोकस करना होता है, और इसीलिए आपको उसे बड़े अक्षरों में लिखना होता है। स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी देखिए किस प्रकार से चौकोर में लिखा गया है, आयत में लिखा गया है। 2 साल का अनुभव होना आवश्यक है, और यहाँ पर भी देखिए, ये पहले ही इस प्रकार से आपको चौकोर या आयत जो है उसे बनाना पड़ता है। फिर संपर्क करें ओंकार शिंदे, शिवाजी नगर, परभनी, और फिर उनका ये जो भ्रमण ध्वनि है ओंकार शिंदे का, वो लिखना है, और ईमेल, फिर omkarshinde@gmail.com, इस प्रकार से आपको इस ऐड को तैयार करना है। यानी पहले आपको समझ में आना चाहिए कि विषय क्या दिया गया है, और ड्राइवर तो चाहिए, लेकिन अनुभव का अर्थ क्या है, फिर अनुभव ये किसका है, ड्राइवर का, फिर उसके बाद स्थानीय निवासी को प्राथमिकता, यानी ड्राइवर जो है वह उस एरिया में रहता है, तो उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी पहले उसे चुना जाएगा, फिर बाकी जो है ड्राइवर उनके बारे में सोचा जाएगा, वहाँ का रहने वाला है तो प्राथमिकता उसे दी जाएगी, यानी पहले उसे चुना जाएगा। फिर संपर्क पत्ता, संपर्क पत्ता किसका आएगा, जिसने ऐड दी आकाश शिंदे, तो उसका आएगा। फिर ये जो एड्रेस है वह किसका है, ओंकार शिंदे का, शिवाजी नगर, परभनी, भ्रमण ध्वनि, वह किसकी है भ्रमण ध्वनि, तो आकाश शिंदे की, भ्रमण ध्वनि यानी मोबाइल नंबर, तो इस यहाँ पर भ्रमण ध्वनि दी है तो वही लिखना है, नहीं दी है तो आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन अपने खुद का नंबर नहीं लिखना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। आगे स्थान संबंधी देखेंगे हम विज्ञापन किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, विषय दिया गया है घर किराए पर देना है, तो विषय क्या है, घर किराए पर देना है, ये स्थान संबंधी है। और यहाँ पर भरपूर हवा वगैरह, यानी उसकी क्या विशेषता है, किफ़ायती किराए पर,
क्षेत्रफल उसका क्या है, पास के ठिकान क्या है, और उस किराए का घर जो देना है तो उसकी विशेषता, दो शयन कक्ष, बैठक और रसोई, पार्किंग की सुविधा है, संपर्क किससे करना है उसके लिए, उस किराए का मकान अगर आपको चाहिए तो संपर्क किससे करना है, यानी कांटेक्ट किससे करना है, तो उसका मोबाइल नंबर वगैरह भी आपको वहाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए भरपूर हवा, पानी और प्रकाश का वह जगह है। क्षेत्रफल जो है वह 100 स्क्वायर फीट का है। किफ़ायती किराए किराए पर, घर किराए पर देना है। देखिए किस प्रकार से इसको भी यहाँ पर लिखा गया है, घर किराए पर देना है। स्पष्ट रूप से उस पर फोकस होता है कि उसे देखते ही हमें समझ में आता है कि यह एड जो है, यह विज्ञापन जो है वह किस विषय पर है। फिर बाद में यहाँ पर सुविधा क्या क्या है, दो शयन कक्ष, बैठक और रसोई, बाजार, मंदिर, स्कूल और अस्पताल के पास, पार्किंग की सुविधा, संपर्क फिर सदाशिव पाटिल, और फिर यहाँ पर समय जो है संपर्क करने का वह समय भी दिया गया है, क्योंकि वह जॉब वगैरह करते होंगे या कहीं बाहर, तो उस समय वह फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो उसके लिए समय भी यहाँ पर दिया गया है। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर, यानी सदाशिव पाटिल जिनको जो मकान जो है किराए पर देना जा चाहते हैं, तो उनका ये मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है, और उनसे कितने कब समय कौन से समय में संपर्क करना है, तो वह समय भी दिया गया है, और स्थल जो है वह सरस्वती भुवन, गांधी मार्ग, पुणे। तो इस प्रकार से यह विज्ञापन पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सभी मुद्दों को वहाँ उपस्थित करते हुए हमें लिखना होता है। अब आपको देखिए स्वाध्याय के लिए सवाल दिए गए हैं, उस पर आपको ये इन विषयों पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। देखेंगे किस प्रकार से, अब आपके सामने पूरी जानकारी है कि किस प्रकार से हमें विज्ञापन तैयार करने होते हैं। तो सिर मोर छाते, यानी छातों पर आपको विज्ञापन तैयार करना है, यानी कोई दुकानदार जो है वह अपनी छाते या कोई कंपनी जो है अपनी छाते बेचना चाहती है, और उसके लिए आपको उस छातों के प्रति लोगों के मन में आकर्षण उत्पन्न करना है, तो वह किस प्रकार से आप कर सकते हो, उस प्रकार से आपको यह विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पर देखिए दूसरा और एक विषय है आपको स्वाध्याय के लिए, तो नवनीत, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। तो इस पुस्तक के लिए भी आपको विज्ञापन तैयार करना है, ये भी आपको दूसरा स्वाध्याय दिया गया है, दूसरा विषय है, तो उस पर भी आपको विज्ञापन, इन दो विषयों पर आपको विज्ञापन तैयार करके व्हाट्सएप पे भेजना है।